सब्सक्राइब कीजिए डीके टेक हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज आया है हमारे पास ये बड़ा सा बॉक्स जो आया है हमारे पास जेबडोनिक्स की तरफ से, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है होलो 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर। तो इस बॉक्स की करेंगे आज हम अनबॉक्सिंग और देंगे आपको इस 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर का रिव्यू। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है दीपक और डीके टेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास पैन, तो मैं जो है इसकी जो सील है उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कुछ फीचर यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ, एचडी कार्ड, एफएम, एलईडी डिस्प्ले और यहाँ पे आरजीबी ग्रो, यूएसबी रिमोट कंट्रोल और यहाँ पे स्टाइलिश डिज़ाइन। तो ये कुछ फीचर हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। और कुछ इस तरीके का बॉक्स इस साइड से आपको मिल जाता है। पीछे की साइड दोस्तों कुछ यहाँ पे फीचर्स स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो पैकेज कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ फीचर हाईलाइट किए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बॉक्स में दी गई हैं। इस साइड से कुछ भी इस साइड से कुछ ऐसा है। और ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है द साउंड मॉन्स्टर। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स हमें मिल जाता है। तो इस बॉक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है यूज़र मैनुअल। और तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाती है ये यूज़र मैनुअल। तो इसको दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें हमें पता ही होता है किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो ये यूज़र मैनुअल जो है यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके की यूज़र मैनुअल है, तो इसे रख देते हैं साइड में। और दोस्तों हमें यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर ये इनपुट केबल। तो यहाँ पे दोस्तों ये इनपुट केबल मिल जाती है। यहाँ पे ये लगाएंगे हम सब बूफन में और ये लगाएंगे हम अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में। तो इसके द्वारा हम अपने सब बूफन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस से। और दोस्तों इसमें हमें मिल जाता है यहाँ पे एक रिमोट। तो रिमोट भी देख लेते हैं किस तरीके का ये रिमोट है। तो ये रिमोट मिल जाता है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी क्वालिटी। बटन बहुत सॉफ्ट है, तो अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। और इसमें दोस्तों हमें सेल भी मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों रिमोट और इसमें दो सेल लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का रिमोट हमें मिल जाता है। तो रिमोट की क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल सॉफ्ट बटन है और सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो देख लेते हैं और बॉक्स में हमें क्या मिल जाता है। दोस्तों बॉक्स में हमें मिल जाता है ये स्पीकर। तो ये स्पीकर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, तो मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ओ वाओ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के स्पीकर हैं। क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे जो फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे दोस्तों एल्यूमिनियम बॉडी लग रही है, लेकिन ये जो है प्लास्टिक की है। और यहाँ पे जो फिनिशिंग दी गई है, जो डिज़ाइन दिया गया है स्पीकर का, बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पे जो है वुड दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का स्पीकर है। यहाँ पे आपको केबल मिल जाती है। और दोस्तों ये आप देख सकते हो डिज़ाइन कितना कमाल का है। यहाँ पर आपको मिल जाता है जेबडोनिक्स का लोगो। तो कुछ इस तरीके का स्पीकर जो है हमें मिल जाता है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब दूसरा स्पीकर भी निकाल लेता हूँ। तो ये है इसका दूसरा स्पीकर, क्योंकि ये 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर है। तो यहाँ पे दो स्पीकर हमें मिल रहे हैं साथ में। तो ये है दोस्तों दूसरा स्पीकर। तो क्वालिटी दोनों की बहुत ही कमाल की है।
और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया है और जो फिनिशिंग दी गई है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा लगता है जैसे एल्युमिनियम का हो लेकिन ये भी प्लास्टिक है, लेकिन बहुत ही कमाल का है, एकदम कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पे भी ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। तो ये दो स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और दोस्तों साथ में आपको मिल जाता है ये वूफर जो कि बहुत ही भारी है, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा आराम से। तो मैं स्पीकर को रख देता हूँ यहाँ पे साइड में और सब वूफर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये सब वूफर मैंने बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे दोस्तों बॉक्स में कुछ नहीं है, तो बॉक्स को हम कर देते हैं साइड में और आप देख लेते हैं दोस्तों अपने सब वूफर को। तो यहाँ पे नीचे से मैं इस पॉलिथीन को हटा लेता हूँ और देख लेते हैं किस तरीके से हमें सब वूफर हमें मिल जाता है। दोस्तों कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे मिल जाता है सब वूफर। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए, और यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेबल के लिए और ये बेस के लिए हमें मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाते हैं नेक्स्ट प्रीवियस के लिए बटन, प्ले पुश, इनपुट और ईक्यू। और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है मैट ब्लैक का, जो बहुत ही कमाल की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे आप एजेस भी देख सकते हो, बहुत ही कमाल का यहाँ पे सब वूफर दिया गया है सामने की तरफ से। और दोस्तों साइड से आप देखें तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब वूफर का कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। और दोस्तों इस सब वूफर में आपको साइड में यहाँ पे USB या फिर SD कार्ड लगा सकते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट आपको दोनों मिल जाते हैं, तो आप उन्हें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपको बेस यहाँ पे मिल जाती है। और दोस्तों पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए। यहाँ पे आपको पावर सेक्शन मिल जाता है, ऑन ऑफ मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है FM एंटीना, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे पीछे आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आप कनेक्ट कर लेते हैं सभी चीज़ों को, तो हम ये इनपुट केबल को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हमने कर दिया है इसका पूरा सेटअप, तो अब हम करते हैं इसका टेस्ट कि किस तरीके का साउंड इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है इनपुट केबल को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से, तो यहाँ पे साउंड को हम बढ़ा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इनपुट के लिए बहुत सारे मोड। यहाँ पे आपको फॉक्स केबल के लिए, यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस के लिए, FM के लिए, और यहाँ पे दोस्तों आप फिर से ऑक्स केबल यहाँ पे लगा सकते हैं।
दोस्तों इस 2.1 मल्टीमीडिया होलो 2 स्पीकर की जो प्राइस है वो है 5,500 रुपये। तो दोस्तों अगर आप इस स्पीकर को परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को दबा कर आप मेरे लेटेस्ट वीडियो की सभी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।